हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जय मां भारत के ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम पुनः उपस्थित हैं और क्लास को कंटिन्यू करेंगे। और सल्तनत के सुल्तानों की जो हमने एक सीरीज प्रारंभ की है, इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे नासिरुद्दीन महमूद के बारे में। नासिरुद्दीन महमूद सल्तनत का एक ऐसा सुल्तान है जिसे संत स्वभाव का सुल्तान कहा जाता है, अथवा सल्तनत का आदर्श सुल्तान, दिल्ली सल्तनत का आदर्श सुल्तान जैसे शब्द जो है नासिरुद्दीन महमूद के बारे में इतिहासकारों के द्वारा यूज़ किया जाता है। तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यह एक बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था, बहुत धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति था। और 1246 ईस्वी में यह सुल्तान के पद पर आसीन हुआ, या दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर आसीन हुआ। लेकिन जब नासिरुद्दीन महमूद दिल्ली सल्तनत की गद्दी पर बैठा, तो जो सत्ता के लिए संघर्ष था तुर्की सामंतों और अमीरों में इसके सुल्तान के बनने के साथ ही वह संघर्ष समाप्त हो गया और नासिरुद्दीन महमूद यह इल्तुतमिश का पौत्र था। तथा शमसी वंश का पांचवा तथा अंतिम सुल्तान था। नासिरुद्दीन महमूद शमसी वंश का पांचवा तथा अंतिम सुल्तान था, जिसमें आप देखेंगे शमसी वंश का पहला सुल्तान सुल्तान इल्तुतमिश था, जिसने 1211 से लेकर के 1236 तक शासन किया। इल्तुतमिश के बाद रुकनुद्दीन फिरोज हुआ, वो 1236 में ही उसने शासन किया। फिर रजिया सुल्तान हुई, रजिया सुल्तान जो थी वो 1236 से 40 तक शासन की। फिर इसके बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह हुआ, जो 1240 से लेकर के 1242 तक शासन किया। फिर उसके बाद मसूद शाह हुआ, जो 42 से लेकर के 46 तक शासन करता है। फिर मसूद शाह के बाद नासिरुद्दीन महमूद सिंहासन पर बैठता है, दिल्ली की गद्दी पर नासिरुद्दीन महमूद बैठता है। और नासिरुद्दीन महमूद बहुत उदारवादी व्यक्ति था। इसके बारे में कहा जाता है कि यह एक संत स्वभाव का व्यक्ति था, यह संत स्वभाव का सुल्तान था। इसके बारे में कहा जाता है कि इसने यह जो है कुरान की कॉपी करके बेचता था, कुरान की प्रति बेचता था और उससे जो आय होती थी उसी से अपने जीवन का निर्वाह करता था। तथा उससे प्राप्त आय से ही अपना निर्वहन करता था। यानी कि सुल्तान नासिरुद्दीन महमूद एक ऐसा सुल्तान था जिसने कभी भी राजकोष से एक रुपया नहीं लिया और इसी तरीके से वो अपने जीवन का निर्वाह करता था। यानी कि यह एक ऐसा सुल्तान था जिसकी आवश्यकताएं बहुत सीमित थी, क्योंकि यह धार्मिक प्रवृत्ति व्यक्ति था पूरी तरीके से जो है, जिस वजह से इसकी आवश्यकताएं सीमित थी। और इसके बारे में कहा जाता है, विभिन्न विद्वानों ने अपना मत दिया है। लेकिन उससे पहले हम सुल्तान से संबंधित और कुछ महत्वपूर्ण बात देख लेंगे। जैसे सुल्तान की बात करेंगे तो सुल्तान 1249 ईस्वी में सुल्तान का विवाह हुजैदा, जो कि बलबन की पुत्री थी, हुजैदा से हुआ, और 1249 के बाद 1250 से कहा जाता है
कि सल्तनत पर पूरा नियंत्रण जो था वह बलबन का रहा, सल्तनत पर पूरा नियंत्रण बलबन का रहा, यानी कि सुल्तान ने सारा उत्तरदायित्व जो है बलबन को दे दिया और सुल्तान बलबन के हाथों की मात्र कठपुतली मात्र रह गया, यानी कि बलबन जो चाहता था वही होता था, बलबन जो चाहता था वही होता था। और आगे चल करके जो है सुल्तान ने बलबन को उलूग खां की उपाधि प्रदान की, उलूग खां की उपाधि प्रदान की। उलूग खां का मतलब होता है विश्व का खान या महान खान, विश्व का खान या महान खान। तथा साथ ही साथ इसको जो है नायब मामलिकात के पद पर नियुक्त किया, नायब मामलिकात के पद पर नियुक्त किया। बलबन ने इसे नायब मामलिकात के पद पर नियुक्त किया। हालांकि बीच में जो है कुछ लोगों के द्वारा या कुछ तो तुर्की अमीर थे उनके द्वारा जो है सुल्तान को चढ़ाया गया, सुल्तान आगे चल करके जो है सुल्तान ने इसको नायब मामलिकात के पद से हटा करके जो है इसको दूसरे प्रांतों का गवर्नर बना दिया। लेकिन बाद में जब गैर यानी कि जो भारतीय मुसलमान थे वो उच्च पदों पर प्रतिष्ठित होने लगे तो इसे जो तुर्की अमीर थे उन्होंने जो है पुनः सुल्तान को समझाया और सुल्तान ने अपनी इच्छा वापस ली और उससे जो है पुनः बलबन को वापस बुलाया गया और उसे उस पद पर प्रतिष्ठित कर दिया गया। इसके संदर्भ में कहा जाता है कि विभिन्न विद्वानों ने कई महत्वपूर्ण स्टेटमेंट दिए हैं, जिसमें देखेंगे अगर पहला स्टेटमेंट की बात करेंगे तो पहला स्टेटमेंट तारीख़े मुबारक शाही एक ग्रंथ है और इसको याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है। तारीख़े मुबारक शाही में याहिया बिन अहमद सरहिंदी ने लिखा है कि सुल्तान बीमारी के कारण मर गया। सुल्तान की मृत्यु 1266 ईस्वी में हुई, तो इन्होंने जो है कहा है कि सुल्तान की मृत्यु जो हुई वो बीमारी के कारण हुई, सुल्तान की मृत्यु बीमारी के कारण हुई। अगला जो विद्वान का स्टेटमेंट है वह है किताबुल रिहला के लेखक जो थे इब्न बतूता जिसने किताबुल रिहला ग्रंथ की रचना की है 1233 ईस्वी में, वह मोहम्मद बिन तुगलक के समय आया था जो कि मोरक्को का एक यात्री था, और इसने कहा है कि सुल्तान के नायब ने उसे मार डाला, नायब का मतलब नायब मामलिकात के पद पर जो है बलबन को प्रतिष्ठित किया गया था, तो उसका कहने का तात्पर्य है कि बलबन ने उसको मार डाला, सुल्तान को बलबन ने मार डाला, ठीक, यानी कि उसके नायब ने उसको मार डाला, इसका कहने का सेंस यही है। फिर इसके बाद अगला है मिन्हाज उस सिराज ने तबकात ए नासरी पुस्तक लिखी है, और मिन्हाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी सुल्तान को समर्पित की है। मिन्हाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक तबकात ए नासरी मिन्हाज उस सिराज ने अपनी पुस्तक किसको सौंपी है, तो तबकात ए नासरी पुस्तक मिन्हाज उस सिराज ने सुल्तान नासरुद्दीन महमूद को सौंपी है, और तबकात ए नासरी के लेखक ने ही सुल्तान को दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। मिन्हाज उस सिराज ने ही उसे दिल्ली का आदर्श सुल्तान कहा है। फुतुह सलातीन के लेखक
फुतुह उश सलातीन, फुतुह सलातीन के लेखक, फुतुह सलातीन जो है ईसानी की ग्रंथ है, ईसानी का एक ग्रंथ है फुतुह सलातीन। इसमें कहा गया है कि बलबन ने सुल्तान को विष दे दिया, बलबन ने सुल्तान को विष दे दिया और यह बात जनता जानती थी ईसानी के अनुसार कि बलबन ने सुल्तान को क्या दे दिया, विष दे दिया। इस बात को दिल्ली की जनता या सल्तनत की जनता जानती थी। इसके बाद अगला स्टेटमेंट है, फरिश्ता के अनुसार बलबन प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उन सभी सुल्तान के उन सभी वंशजों को मार दिया जो आगे चलकर के उसके उत्तराधिकारी होते, जो आगे चलकर के उसके उत्तराधिकारी होते उन सभी को जो है उसने हत्या कर दी। बलबन ने उन सभी की हत्या कर दी जो आगे चलकर के उसके उत्तराधिकारी होते। और इस बात से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि सुल्तान जो था वह कितना उदारवादी था, कि सल्तनत का यह एकमात्र सुल्तान था जिसकी सिर्फ़ और सिर्फ एक पत्नी थी, यानी कि हुजैदा जो थी बलबन की पुत्री वह मात्र सुल्तान की एक पत्नी थी, मात्र सुल्तान सल्तनत के एकमात्र सुल्तान थे जिनकी सिर्फ एक पत्नी थी। इस तरीके से इस सुल्तान अपने समकालीन का सुल्तान जो था यह स्वयं विद्वान तथा विद्वानों का संरक्षक था और अपने समय का एक सुयोग्य कवि भी था, फिर आगे चल करके जो है 1266 ईस्वी में इसकी मृत्यु हुई। मृत्यु कैसे हुई यह विवादित है। तो इसी के साथ जो है अगला जो सुल्तान बना वो बलबन, गयासुद्दीन बलबन बना। और गयासुद्दीन बलबन पर हमने पूरा डिटेल से वीडियो बनाया है, तो आप उसको देख सकते हैं, वो बिल्कुल पसंद आएगा। तो ये टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। अब याद दीजिए, फिर मिलेंगे एक बेहतर क्लास के साथ। जय भारत, सही।